हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। सर, केमिस्ट से बोलिए। सर, हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूँ। दमे की दवाई क्या कह रहा है? सर, दमे की दवाई पे 40% ऑफ है। दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर, मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर। 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट का तो मैं ले लूं, सर मतलब आप जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे। सर, 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई, अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। जब है ही नहीं तो लू क्यों? सर, कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो। ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना, वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो, सर, मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स, जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर, पोलियो ड्रॉप। फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी। ये बीमारियां पैदा कर रखी सर, आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार, तुमने। मेरी बात सुनो ना। आप सर, मैं आपसे नहीं बोल, बोल नहीं, मेरी बात सुनो सर। आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो सर। अच्छा, तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर। मैं आपकी भलाई के लिए सर, मेरे को बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो सर हल्की वल्की तो होगी ना। थोड़ा सा जुकाम है, दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर, जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार, अरे फोन रेडियो मिर्ची से। अरे यार हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम, मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी बोलिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या क्या बताऊं? हाँ जी बोलो। क्या बोलूं आज मैडम, दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं, मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं नहीं फंसा पाता, नहीं बातों में आ पाता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम। अभी टॉपिक पे बात नहीं, मतलब वो समझ नहीं आ रहा, मैं आज बना ही नहीं पा रहा, आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई, 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही, मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूं ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में, क्या इनको फंसाऊं यार। कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं, इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा, नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं नहीं, हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ू मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। हेलो, हाय, एम आई स्पीकिंग विद आशु? यस स्पीकिंग। हाय आशु, मैं काव्या बोल रही हूँ, आपने पहचाना? जी नहीं, मैं नहीं पहचान पाया, सॉरी। मैं आप ही की गली में रहती हूँ, हम काफी बार एक दूसरे को हमने देखा है, यू नो आई थॉट। काव्या? ओ हाँ 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 हाँ, हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। यू नो हमारी कभी बात नहीं हो पाई, इतना अरसा हो गया, तो हाँ, मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको कॉल। आपने कभी मुझसे आके बात क्यों नहीं की? जी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपके पास आने की, बात करने की। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? या प्लीज प्लीज, तभी तो मैंने फोन किया आपको। बस यही कहना था कि आप यूर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आई फाइंड यू रियली वेरी ब्यूटीफुल। मुझसे आके बात तो करते। वही जी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहां पर आने की। सोचा तो बहुत बार था, इतना प्लान बना लिया था कि गेट तक पहुंच गया था, बस घंटे नहीं बजा पाया और मतलब रह गया बस।
मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे अगर आप माइंड ना करें तो? या प्लीज पूछिए. क्या आई सिंगल? ऑफ कोर्स आशु, आई एम वेरी गुड. ये तो बहुत ही अच्छी खबर है. तो फिर बात करनी चाहिए थी ना. नहीं, हिम्मत पड़ी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया. और वैसे भी मुझे आपसे, हाँ प्लीज प्लीज बताइए ना. आशु, मैंने नोटिस किया एक्चुअली कि आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है, तो मेरी गाड़ी का नंबर इवन है एक्चुअली. यू नो, जैसे कि आपको पता ही है कि अब केजरीवाल जी ने न्यू रूल स्टार्ट किया है जनवरी से दिल्ली में, कि ऑड गाड़ी एक दिन एंड यू नो इवन गाड़ी एक दिन. तो एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें. आर यू देयर? Yes. हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें. ठीक है, मैं 9 बजे निकलता हूँ, आना हो तो आ जाना. नहीं आशु, आप शायद समझे नहीं. मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी अपनी गाड़ी से, दूसरे दिनों के लिए मुझे क्या आपकी गाड़ी मिल जाएगी? नो. बट व्हाई? अरे पड़ जाएगी यार, मेरे को 10 और काम भी होते हैं, मतलब मेरे को और भी, मतलब गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा. You know, I thought आप मुझे देखते हैं तो आप शायद. अरे देखता तो मैं 50 लड़कियों को हूँ, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. अब मैं क्या करूँगी? केजरीवाल से जाके पूछो ना, मैं क्या करूँ. हेलो हेलो, दे दो ना आप गाड़ी इनको. मैं कैसे दे दूँ? मैं कैसे जाऊँगा? देखते हो उसको, दे दो ना यार. मैं 50 को देखता हूँ, मैं सबको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी भी सुन लो. अबे मेरी भी सुन लो, बोलो रेडी बच्चे से भाई. हेलो हेलो, मिस्टर अनमोल जी. कौन बोल रहा? अनमोल जी, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ. आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद द इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली. ये कुछ की बात है, आप पहले ये बताओ. सर ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना. आपकी बात में समझ गया. पहले ये बताओ, आपको ये समझाया किसने है? ये सुझाव किसने दिया आपको? पहले ये बताओ. सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना. एक नहीं, किस लिए आया सुझाव पहले ये बताओ. सर पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं. नहीं, पोल्यूशन कम करने का मतलब क्या? मतलब गाड़ियां कम करो ना. फिर ये क्या कम कर रहे हो आप? इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो, और आप गाड़ियां कम करो फिर. सर गाड़ियां ही तो कम कर रहे हैं. आप ये सोचिए, एक दिन इवन चलेंगे, एक दिन और चलेंगे, तो उसका मतलब गाड़ियां कम हो गई ना. नहीं नहीं, ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है, उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो? नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं? मैं तो, हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे. आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर. क्या चला ली बताइए? अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड गाड़ियां बंद कर दो बस. आपकी कौन सी है? अरे हमारी हमारी जो भी है, आप ऑड बंद कर दो ना यार. कौन सी आपकी, ये बताइए ना. हमारी इवन है भाई. हमारी आप कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बाइक हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है. सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा गाड़ी पे, धुआंदार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं. अभी जा रहे थे हम शादी में, जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई, इसने साले ने फिर अपना वो धुआं अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया हमारा. ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा. तो सर आप बताइए ना, मेरे को प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम. यार मिश्रा जी की प्रॉब्लम है, आप एक सेकंड रुकिए, मिश्रा जी भी लाइन पे. मिश्रा जी क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है, इसलिए पोल्यूशन कर रही है. अरे अपनी गाड़ी तो देखे, मैं पहले सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है. लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके. कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया, क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है. इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं. तूने अपना गाड़ी देखी है? धुआं देखा है कभी? सर्विस कराई है? किसी की कृपा है तेरे पर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती? नहीं तो तेरे पर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे. तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल में धुआं देखनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया. सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए. तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे, गाड़ी के नाम के तुम दबे हो. हमारे से तुम बात ही मत करो भाई साहब. तो भाई साहब तुम तो लड़ाइयां करा लो बहन, तुम और भी काम में अपनी हालत देखो. ये पोल्यूशन 260 जो बता रहे ना रेडियो पे, ये 260 में से
बारिश तो तुम्हारी वजह से है, 10 बार की दुनिया छोड़ती है। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो। दोनों की बात सुन लेते भाई, हमारी मतलब हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना गाड़ी ले ली है मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असली पूरी पूरा मोहल्ला जानता है, पता नहीं कौन सा तेल का कुआं लेके बैठे हैं ये। मेरे पीछे तू क्या मुझे बताएगा, मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे को एक पहिए की साइकिल ना मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था लेकिन अब सुन ले, दहेज की गाड़ी आई है तेरे आने के लिए, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद भाई हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो मंडे ट्यूसडे आप मैं इसको कह रहा हूँ कि ये। हेलो हाय, इज दैट रोहित? हाँ बोल रहा हूँ। रोहित मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड मेरे क्लिनिक पे अभी आई है। और रोहित आई वांट टू टेल यू समथिंग। कौन कौन बोल रहा है? मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ, रोहित आपकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे चेकअप के लिए आई है। अच्छा, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? हे मैन कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? मैंने अभी चेक किया है, दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है रोहित। है? दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है, सो आई थॉट के मेरे को कॉल करके यू नो इन्फॉर्म करना चाहिए। के क्या बोल रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी चेक किया है, आई एम ए डॉक्टर। तो मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ अभी। लेट मी कॉल हर पेरेंट्स आल्सो ना, उनको भी पता। अरे रुक जा, सुन सुन रुक जा। व्हाट? मेरे को अभी इनको देखना भी है। डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनके पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ना वैसा पेचीदा मामला होता है। तो मैं सोच रहा हूँ दिव्या के पापा का नाम ये लक्ष्मण जी है ना, मैं उनको बता देता हूँ अभी कि मैंने कुछ नहीं किया यार, तुम उससे पूछ लो। मैंने तो किस तक नहीं किया आज तक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिव्या की मॉम को पहले फोन करूं या आप समझ नहीं रहे? मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आई सेड उसके पेट में आपके प्यार की निशानी है। मैंने ये आपको कैसे हो गई ना, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो समोसा किसने खिलाया था? क्या कल जो आपने प्यार से समोसा खिलाया इसको, ये कौन से स्पेसिफिक मॉल के बाहर, वो अभी भी इसके पेट में है, कुछ गैस बन गई थी। तो मैंने चेक करके देखा तो वो मशीन में दिखता है समोसा अभी पड़ा है जो प्यार से आपने दिखाया खिलाया था इसको। ठीक है, तो अभी भी पेट में है, उसके गैस बन रही थी। तो आपके पास क्या आने की जरूरत थी इसको? जलजीरा पी लेती, एनो पी लेती। एनो? हाँ एनो। चलो वो पिला के देख देते हैं। हाँ वो पिला दो। चलिए मैं रखता हूँ, मैंने आपको सोचा आपको बता दिया। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया। ठीक है बाय। हेलो हेलो अंजिका। हाँ जी अंजिका, कल मयंक के साथ। कौन? अंजिका मैं मयंक का ही समझ लो, मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से शेयर किए हैं। तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार और यू नो अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, तो फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिल के आपस में बात करो। हाँ जी मैं पूछना चाहती थी मयंक को किस टाइप की बातें पसंद है या मयंक का तो ये है थोड़ा ह्यूमरस है और जोक वो क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल सही है अंशिका, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे मिल रहे हो कल? सिटी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे। हाँ जी हाँ ना, एंड आई टोल्ड हिम मयंक को कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीजें बड़ों की भी बताने की जरूरी होती हैं, इसको माइंड मत करना अंशिका। अब देखो लड़कों की अपनी गलतियां होती हैं, यू नो लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत लेट तो नहीं, मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो लड़कियों का ये है जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दे, तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि मतलब
इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से मैं दे दूं पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर, और वो फाइनली यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा कुछ चीजें मैंने देखी है अंजिका, हाँ जी, कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी है, जैसे जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीजों का ख्याल रखना आप भी। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल मैंने अभी सोचा नहीं। ये देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम। हाँ जी हाँ जी, है ना, कम से कम कितने रखोगे? देखती हूँ अभी, मैंने सोचा नहीं है। 2500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जी का, जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे आप मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं ऑटो देखूं, अरे चुपके से आ भी तो सकती है, मतलब उसको जताएगी ऑटो नहीं मिल रहा ऑटो नहीं मिल रहा, वो बोलेगा शुड आई ड्रॉप यू फॉर टैक्सी, आप बैठ गई खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके? अच्छा वो भी वही लाए। ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है, मैंने मयंक से भी कहा भाई अपनी चीजों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रखा तो मैं पूछा कितना खाओगी माँ? अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं जितना भी खाओगी कुछ तो सोचा होगा ना, सोच के कुछ नहीं आ रही हो? नहीं इसमें इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती है सारी, मतलब ठीक है थोड़ी आपने नहीं, ये देखो लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये देखो ना लड़के का रेस्टोरेंट थोड़ी है कि वो ही दे पैसे, लूट लो से। लड़का क्या है वो मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो लूट लो लूट लो, ये ले लड़का आगे लड़का पेते लड़का बुकले लड़का बेल दे लड़का लड़का लड़का। ए अंशिका नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी हस्ती रहो और सुनो, बिल्कुल वही दे देगा, टेंशन नहीं है, बस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। ओके बाय। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं, एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं। कुत्ते दो चूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाएं 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं, अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। हेलो सर, आपका ऑर्डर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चिकन मलाई कोफ्ता हाफ बिरयानी, चिकन मलाई कोफ्ता हाफ बिरयानी, आपने सीख कबाब और शामी कबाब अलग अलग बोले हैं कि दोनों अलग अलग पैक कर लेना। अरे भाई सुनो। हेलो, कहाँ फोन किया आपने? सर आपका ऑर्डर तैयार हो गया है, यहाँ से लड़का निकल रहा है हमारा। कौन सा ऑर्डर भाई? सर आपका ये चिकन मलाई कोफ्ता फुल बोला था आपने, खमीरी रोटी आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया सर? चिकन मलाई कोफ्ता खमीरी रोटी। अबे भाई खमीरी रोटी मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, नंबर चेक करें। ये सर चिकन मलाई कोफ्ता फुल यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कोई ऑर्डर नहीं दिया, एक बार नंबर चेक करके कॉल कर। सर आपका ही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका नंबर लिखा हुआ है, मैं इसलिए आपको कंफर्म किया। चिकन मलाई कोफ्ता सर अलग से डाला, मैंने मेरा नंबर है ना, मैंने ऑर्डर नहीं दिया, हम अखे कॉल कर टाइम खराब कर रहा है मेरा। आपने ऑर्डर नहीं दिया? ये नहीं मैंने नहीं दिया। कमाल है, अजीब लोग हैं, पूरी पेमेंट कर देते हैं पहले फिर कहते हैं हमने ऑर्डर नहीं किया। कोई नहीं बाय सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, एक क्या कर रहा तू, पेमेंट हो गई है क्या सर? पेमेंट हो गई है इसकी पूरी? पेमेंट तो सर पहले कर दिया आपने। अब तो लेकर आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं इसका। यार आप लोग ना बनाते हो साला, 10 मिनट पहुंच रहा हूँ, एक घंटा हो गया। अभी तो आप कह रहे थे ऑर्डर नहीं किया आपने। मैंने कब कहा है सर? अभी तो आपने जब मैंने शुरू में फोन किया है कि चिकन मलाई कोफ्ता पेमेंट हो गई है ना? पेमेंट हो गई है सर। हाँ तो पैसे वो लेकर आ, तू सामान लेकर आ जल्दी। सर अभी आपने कहा आप ऑर्डर नहीं किया। ओ भाई एक बात सुन, ये चिकन मलाई कोफ्ता जो लाएगा सर तरी अलग से लाइयो और प्याज अलग से लेकर आइयो और ज्यादा से लेकर आइयो। आधा घंटे से वेट कर रहे हैं खाने के लिए। हेलो या हाय, इज दैट राहुल? या हु इज इट? राहुल वेयर वर यू? Like I'm calling from your HR department. आप क्यों नहीं आए थे लास्ट वीक? सर लास्ट वीक तो मैंने छुट्टी पे था सर। नहीं आई नो मुझे मत बताइए मेरे और आपकी आज तक बात नहीं हुई है। एक तो आपने अभी 6 महीने हुए ज्वाइन करे हुए, मैंने आपको मेल्स भी भेजे काफी, आपने मेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया। सर मेल तो देखे नहीं, पर नहीं। हाँ, मैंने छुट्टी अप्लाई कर रखी थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आप क्यों नहीं आए लास्ट वीक, मुझे आप रीजन बताइए उसका।
थोड़ा बीमार सा लग रहा था, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी। तो आपको तो आना चाहिए था ना, आपको तो आना चाहिए था। यू कांट से के थोड़ा बीमार था और बारिश हो रही थी। सर बीमार थे तो इसलिए अब कैसे आऊंगा सर, बाकी और भी काफी लोग नहीं आए थे ऑफिस। यार राहुल कम ऑन, डोंट, आप ये मत बोले मेरे को बाकी लोग नहीं आए थे, स्पेशली आपको तो आना चाहिए था। मैं कह रहा था पूरे ऑफिस की छुट्टी होती, आपको तो आना चाहिए था ना। स्पेसिफिकली मेरे को क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके रिज्यूमे में आपने खुद मेंशन कर रखा, मैंने भी अब रिज्यूमे निकाला आपका, जब आपने ज्वाइन किया था रिज्यूमे दिया, उसमें स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है रिस्क टेकर, इतना बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है रिस्क टेकर। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कह रहे थे थोड़ी सी बारिश हो रही थी, थोड़ी सी मेरे को बुखार कर दिया इसलिए मैं नहीं आया। क्यों भाई, एक रिस्क टेकर ये कर सकता है, एक रिस्क टेकर की ये बातें होती है? सर वो तो कहते हैं ना सीवी को बढ़िया करने के लिए, रिज्यूमे को बढ़िया करने के लिए लिखवा लेते। अबे झूठे राहुल, टाइम पे आकर रिस्क टेकर। राहुल रिस्क तो मैं लेता हूँ यहाँ से, है ना, और कभी कभी गाली भी सुनने को मिलती है। राहुल रेडियो मिर्ची पे हो और नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था तुम्हारा। रिस्क टेकर से मेरे को बुखार हो रहा था। राहुल तभी ठीक कर लो, ऑफिस जाओ चलो। हेलो मिस्टर नवीद, हाय आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सराहा। है सराहा द ऐप आपने जो डाउनलोड किया है ऐप? हाँ जी, मैं उसी से बोल रहा हूँ। सर कैसा लगा आपको ऐप हमारा? बहुत बढ़िया है। आई नो आपने सराहा पे कल आपने अपने चाचा जी को लिखा है, लाइक हमें तो पता है ना सब कुछ, चाचा जी को नहीं मालूम है कि आपने भेजा है। सो सर व्हाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको ये बोल रहा हूँ इसका प्रीमियम पैक आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारा सराहा यूज कर चुके हैं। नहीं नहीं सर, मुझे मैं तो वैसे ना ट्राई कर रहा था, वो मुझे नहीं पता था इसमें यूसेज होती, मुझे नहीं चाहिए प्रीमियम पैक। नाउ यू हैव टू टेक दिस प्रीमियम पैक सराहा विच इज 15,000 रुपीज। नहीं भाई साहब आप मेरी बात समझे नहीं, वो मुझे पता नहीं था तो वो मेरे को नहीं करना, मतलब आगे नहीं लेना, मुझे खरीदना नहीं है पैक। अगर वो आप पैक नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चाचा को पता चल जाएगा कि आपने लिखा है ये सराहा। पागल हो क्या आप यार, ये पहले क्यों नहीं बताते आप टर्म्स एंड कंडीशंस? मैंने तो पता नहीं अपने पता नहीं किस किस को गालियां दे दी यार घर में, मामी को पता यार मैंने किस किस को, मतलब आई नो इसमें कोई लेस हो सकता है प्रीमियम पैकेज में कुछ? 15,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा सर। एक तो तुम पहले बताते नहीं हो, ऐसे तो मत करो ना यार। सर जल्दी डिसाइड करिए, ये 5 मिनट के बाद डिस्प्ले हो जाएगा सर। अरे मेरी बात सुन, इट विल शो ऑटोमेटिकली इन 1 मिनट सर, प्लीज हरी अप। भाई मेरी बात सुन यार, ये नहीं, ये मत डिस्प्ले करियो, कुछ और सेटलमेंट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, मैं 15,000 नहीं ले रहा, आप किसी को बोलोगे तो नहीं, कभी भी एल्डर्स से बदतमीजी नहीं, ठीक है? और एक सेटलमेंट नोट करे, अब जब बात तो सुनेगा उसके बाद तू हंसेगा, देख सेटलमेंट कर रहा है तू, ठीक है? बोल। देख मैं सराहा से नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ठीक है? देख 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 मन में कुछ भी आ रहा हो तेरे, ठीक है, हो सकता है तेरे मन में गालियां आ रही हो, लेकिन सेटलमेंट किया तूने कि तू मुस्कुराएगा और तेरा मुर्गा बन गया है। ये देख तेरे दोस्त जो तेरे हमदर्द बनते हैं ना, उन्होंने बताया मेरे को कि अपने चाचा को गालियां दी तूने। हेलो निखिल, दोस्त क्या हुआ? मैं ये पापा गुस्से में, तेरा क्या हुआ, यूपीएससी का एग्जाम दिया? हाँ यार कुछ ऐसी लग गई है, पीछे बैठा है। क्या कह रही है पापा? वो जब से उसने कौन है वो टीना डाबिन टॉप किया ना, ले रखी है उस पीछे है। अभी तो चल फिर भी ठीक है, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मूड ठीक हो गया अभी। पहले तो यार तू सुन ना, तू समझाएगा ना, समझ में नहीं आया, उनको लगता है तूने कमीनापन किया। मैं अगर उनसे बात करूँ ना, मैं कहूँगा सर मैं मेरे सामने खुद पढ़ा है, 24 घंटे पढ़ा है, नहीं है किस्मत में क्या करें? नहीं समझेंगे वो, बस ले रखी है तीन। नहीं मैं समझ रहा, तू मेरी बात तो करा ही, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अंकल कोई ऐसा थोड़ी वो है, मतलब बात तो करा मेरी भाई तू ले। अच्छा रुक एक सेकंड पापा, एक दोस्त बात करना चाहता। हेलो महाजन जी, माइंड मत करिएगा, अभी आपके इस नलायक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई, तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और तेरी कुत्ते जैसी हालत हुई है उसमें, एक उसको देख, वो किसी की बेटी है टीना दाबी, उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या कसर रह गई ये बता। मेरे को कहता है अंकल कोशिश तो कर रहा था, थर्ड स्टेज अगर क्लियर हो जाती ना मैं ध्यान लगा के पढ़ता। कौन सी थर्ड स्टेज? ये वीडियो गेम ही खेलता था उस टाइम पे। मैंने कहा दे तेरे बाप ने उम्मीद लगा रखी है, तू वीडियो गेम ही खेलता रात में, अब एहसास हो रहा है। मैंने तो अभी झाड़ लगाई है उसको। मेरे को कहता पापा का मूड अब ठीक हुआ है। मैंने कहा वो बाप अपने सीने पे पत्थर रखे हुए है, समझेगा, कोई कसर नहीं छोड़ी बाप ने। मैंने कहा क्या तेरे ग्रुप में किसके क्या क्या हुआ, क्या तो सबके क्लियर हो गए? मैंने कहा एक बात बता क्या कसर रह गई थी, पापा की तरफ से कोई नहीं? पहले नहीं पापा की तरफ से नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा मेरे बैटरी अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं ध्यान लगा देता। कैसी बैटरी? मोबाइल की बैटरी, क्योंकि चैटे करता है ना
पूरी रात जब आप सो जाते चैटे कर रहा था, अभी बताया कि मेरे से गलती होगी, चैटे करिए मैंने लड़कों से, चैटे करिए ग्रुप, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, पांच पांच ग्रुप बनाए, चैटे करिए। इसके साथ के तो पांच के पास थे, उनका भी यही हाल हुआ है। गलत बोल रहा है, अभी बताया चारों के चारों पास में यूपीएससी में। असल में इस भोले वाले के बस की कुछ है ही नहीं, जब तक इसकी गांव पे डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। तूने चुप बनाया मेरा, यूपीएससी का टेस्ट देंगे तेरे सामने में दिया मैंने, कितने बच्चे सारा इधर यूपीएससी देंगे, तेरे बाप पे भी बच्ची नहीं है यूपीएससी। सही कहती है दुनिया, कुत्ते का बच्चा है साला नलायक। तो यूपीएससी का मतलब तक नहीं मालूम है, ताता यूपीएससी भरूंगा, तेरे बाप की भी फट जाएगी तेरे में। उधर दीवार की तरह मुंह कर, सीधा खड़ा है एक घंटे तक, कुत्ते का बच्चा। हेलो इशिका। हाँ जी कौन? इशिका जतिन, मैट्रिमोनियल। ओ ओके, हाय जतिन। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? मी टू। वेयर आर यू फ्रॉम? बिहार। और कितना पढ़े आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब? मतलब मैं भी इतना पूछने के बाद हम हिंदी बोलने लगते हैं, हम भी वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी का हलवा? बस ठीक। आपका किए हैं? बीए पास। पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। पागल तो नहीं है? हेलो सनी एक सेकंड, आप होल्ड करना। मुबारक हो, मुबारक हो, लड़की है लड़की। मैं कहता हूँ हेलो, ये ऊपर वाले तुमने सुन ली, लड़की है लड़की है, माँ के पास ले जाइए। सनी जी मुबारक हो, मेरी लड़की हुई है लड़की। ऊपर वाले भाई, मुझे क्यों बता रहा है तू तेरी लड़की हुई है? तो सनी हमारा ना लड़का भी है, उसके स्कूल वालों को पता चला तो वहां से भी फोन आया, तो उन्होंने कहा कि अब लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, मैं तो आपको टेंशन होगी। मैंने कहा इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम पैसे दे देंगे। जब पैसे भी देने पड़ेंगे तो तेरे किस बात की टेंशन है? इसके बाद इसकी मम्मी भी कह रही थी कि अब शादी करनी पड़ेगी, इसका इसकी शादी में भी पैसा खर्च होगा। मैंने कहा उसकी टेंशन नहीं है मुझे शादी के पैसे की। तू जब शादी के भी पैसे दे देगा फिर क्या टेंशन है तेरे को? आप क्योंकि एक बार घुटना ज्यादा आसान है, वो अगर बार बार घुटेगी और बार बार उसको ये खौफ होगा कि अब छेड़ा तुमने और जब छेड़ा तुमने और जिंदगी आजाब बन गई तो ज्यादा मुश्किल है ना। इस तरह मत किया करो। और हाँ सैटरडे को रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहन ने शायद तुम्हारे लिए राखी लेके रख रखी होगी, मत बंधवाना, क्योंकि अगर तुम बंधवाओगे अपनी कलाई पे तो एक नंबर का ढोंग होगा वो, एक नंबर का दिखावा होगा वो, क्योंकि अगर तुम अपनी बहन से राखी बंधवाते हो और दूसरे की बहनों को छेड़ते हो, किसी दूसरी लड़की को छेड़ते हो, तो तुम्हारे दिल में हमदर्दी है ही नहीं लड़कियों के लिए। मत बंधवाना उससे राखी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वो किस इंसान की राखी बांध रही है। सनी ऐसे एक बात बताओ, घर जाके कहते हो, तुम बताते हो अपने माँ बाप से कि आज तीन लड़कियों को छेड़ा है और वो तुम्हें शाबाशी देते होंगे कि शाबाश बेटा और नाम रोशन कर, बताया कभी उनको? सनी आज के बाद ऐसा काम मत करना, प्लीज मत करना कि तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इन हरकतों को छोड़ दो, और ये चीज मैं पहली बार प्यार से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम इंसान हो, दिमाग तुम्हारे पास है, और इस रक्षाबंधन पे अगर अपनी बहन से राखी बंधवाओ तो कुछ चीजें घर छोड़ के जाना उसके पास, ये वाला हाथ मत लेके जाना जिसपे वो राखी बांधेगी, क्योंकि इसी हाथ से तुमने लड़कियों को छेड़ा है, तंग किया है। इस जुबान को मत खोलना क्योंकि इसी जुबान से तुमने लड़कियों को छेड़ा, बदतमीजी करी। इन आंखों को भी निकाल के रख देना क्योंकि वो ये पाक रिश्ता है और इन्हीं आंखों से तुमने गंदी नजरों से दूसरी लड़कियों को देखा है ना, तो क्या खामखा उसकी मेहनत पे तुम पानी फेरोगे? या तो मना कर दो कि भाड़ में गई ऐसी राखी है ना, या फिर ये कर लो कि आज ही इस बात को अहद कर लो कि कभी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। प्लीज प्लीज सनी, मैं प्यार से कह रहा हूं और प्यार से ही मान लो। नावेद जी सो सॉरी, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओके जी मेल पढ़िए।
मुर्गे से पहले, डियर नवेद, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ऐश्रेया, उसका मुर्गा बना दो प्लीज़। इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हमारी शादी होने वाली है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे पिताजी से मिले नहीं है, मेरे पिताजी आर्मी में हैं, ओहो कर्नल हैं, और सबसे अच्छी बात कि आज के दिन के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है, 15 अगस्त है, प्लीज़ उसका मुर्गा बना दो। बेटा मैं कर्नल जय सिंह, सौरभ का फादर, कर्नल जय सिंह। अच्छा अच्छा, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो आप अंकल? मैं सवेरे जल्दी उठा करो, सवेरे जल्दी उठो, उठ के वर्जिश करो बेटा, ठीक है? वर्जिश करो, वर्जिश करो अंकल। वर्जिश क्या होता है? मेरी अक्सर बात होती है सौरभ से, ही इज माय किड, और मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ अपने बाद कि देश की सेवा करें। Yeah, you know, देश हमारे लिए क्या क्या करता है, हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। Exactly, आज का दिन, like आज का दिन, today is 15th August, अभी तक आपने नहीं बोला Happy Independence, Happy Independence, सुबह जल्दी उठो बेटा। श्रेया, आप माइंड मत करना, लेकिन मेरे को इतना गंदा लगता है, मेरे को इतना गंदा, लोगों को पता नहीं है आज के दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। अंकल मैं तो आपको क्या बताऊं, आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने इतना ट्राई किया कि मुझे परेड के पासेस मिल जाए, मैं चली जाती देखने, बस परेड नहीं होती आज, सुबह जल्दी उठो जब पता चलेगा, नहीं होती आज परेड। एक्चुअली वो रिपब्लिक डे पे गई थी ना, तो इसलिए बात कर रही थी कि उसके पासेस नहीं मिले। मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन आर्मी, मैं आपको बताता हूँ कितनी मेहनत करते हैं और उन लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानी दी है, कितनी कुर्बानी दी है, राइट? इस बात का एहसास आजकल, आई एम सॉरी बट आजकल यंगस्टर्स को नहीं मालूम है इसके बारे में। हाँ अंकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं अभी परसों ही टीवी पे देख रही थी कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर मनीष सिसोदिया बोल रहे थे कि देश के लिए बहुत चीजें करनी चाहिए और हम कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन कभी करते नहीं है। मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट। मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट, लेकिन सवेरे जल्दी उठते हैं वो। कुछ बातें हम बड़ों की आप लोग माइंड करते हो एज अ यंगस्टर, बट डोंट माइंड एट ऑल। अच्छा ठीक है अंकल, मैं फिर रखती हूँ फोन। Why? Actually, कल जल्दी उठना है ना? जल्दी उठो बेटा, जल्दी उठो, गुड, कीप इट अप। बाय। व्हाट बाय? व्हाट बाय? जय हिंद। ओ सॉरी अंकल, भूल गई थी, जय हिंद। सुबह जल्दी उठो, नहीं भूलोगी, जय हिंद, बाय। हेलो। हेलो कौन? हंसे जा रहा, कौन बोल रहा है? ओ मिथिलेश। हाँ हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। अरे कौन बोल रहा है, खुद ही खुद हंसे जा रहा है मिथिलेश। मिथिलेश मेरी रघु से बात हुई थी, रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था, भाई तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दे सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था, जो तो पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा वो दरअसल यूं हुआ था, हम मैं चला गया गोवा। हाँ। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी, वहां कर दी तो देखू तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने, वो धोए भी मैंने 7 घंटे के बाद। और वो क्या बता रहा था, वो कोचिंग सेंटर वाला। कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए, बैठते ही देखा तो मैं आराम आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं, मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को।
बस सारे नाक बंद कर रहे सब मेरी तरफ देखें और मैं वहां कुछ करूं तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा उस मीनाक्षी के साथ मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से पीछे से, जींस फटी रही पूरी पीछे से गेट पे। हाँ अच्छा पीछे से पूरी जींस फट गई भाई, ये क्या ड्रामा निकल आया नया पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊ है कुछ आवाज नहीं करेगा कैसे दिल निकाल रहा। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ टैटू का निकाल रखी है, निकाल रखी है। एक सेकंड, एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप, पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है, जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बताया, ठीक है, तो ये बताएंगे आज हम ये बता रहे हैं। जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो इसे, कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूंक दूंगा, कुत्ते सुन रहा है नहीं सुन रहा आज की न्यूज़। बंद कर दो यार, रुको मैं नहीं मान रहा। आज हम आपको बताएंगे गलो कुत्तो। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर पारस प्लीज? स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आई नो ये थोड़ा गलत है ऐसे ऐसे फोन करना। सर आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, काफी मैंने वॉइस अभी डिस्कवरी के लिए अभी काफी चीजों को लिए किया सर। ओके आप एक काम कीजिए, आई विल जस्ट पास ऑन द फोन टू द रिसेप्शन और आप अपना जो वॉइस सैंपल से ड्रॉप कर दीजिए, मेल कर दीजिए। वॉइस सैंपल मैंने 3 बार ड्रॉप करा था सर, आपके रिसेप्शन पे बात करी थी मैंने, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो यू शुड सेंड इट टू देम। ऑब्वियसली कोई अभी तक शायद आपका वॉइस सूटेबल नहीं रहा। नहीं सर, मैं सुना ही नहीं है। आई एम डैम श्योर सर, आई एम सो सॉरी, ट्रस्ट मी सर। सर आप एक बार फोन पे अगर मेरी आवाज सुन ले, मैं 17 तरह की आवाज निकालता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर वर्किंग फॉर राइट सर? हाँ हम लोग राइट सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, 17 तरह की निकालते हो सर, अगर 2-4 भी सैंपल सुन ले सर तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं समझ रहा हूँ। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो आप मेल कर लीजिए सर। मेल आई हैव मेल 3 times टू तानिया सर, तानिया नेवर गेट बैक टू यू कभी भी। हेलो हेलो, आप ऐसे मत बात कीजिए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम ए स्ट्रगलर, आई नो आई एम ए स्ट्रगलर। And in Mumbai, start करते हैं। No, sir, you know one thing, I am telling you, 2 महीने तक आप मेरे को पैसे मत देना, आप काम कराओ। इससे बड़ी बात बोल, आप मेरी बात समझिए, आपका सैंपल सेलेक्ट हो जाता तो हम लोग किसी के पैसे लेके क्या करेंगे? नहीं, आपको जो कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस है। आप 3 सैंपल सुन लो मेरे। क्या सैंपल्स हैं आपके, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं, सीरियसली कह रहा हूं, आपको मेल। नो नो सर, आई हैव मेल सर सैंपल मैं आपको बता दूं सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस। सर सर ऑन द फोन ही ओनली मैं आपको बता रहा हूं सर। अभी मैं आवाज निकालूंगा अंधेरे की सर, आप देखना डिक्ट आउट निकलती है नहीं। डार्क अंधेरा था सर। सर सेकंड देखिए, ताज़ा घर में पेंट हुआ, उसकी आवाज देखिए यहां से। नहीं छोड़ से निकालता हूँ, गलत हो गई थी, एक सेकंड। सर लड़की ने हाथ में मेहंदी लगवाई, दूसरा दिन है, देखिए। ये मेरा बेस्ट है सर, इसमें मेरे को कई बार मेरे को अवार्ड भी मिले हैं। एक सेकंड, सर इस पे मैंने, आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने बहुत काम किया है। अभी अभी ताजे ताजे बाल कटवाए, किसी ने टांट चपक रही है उसकी, उसके बाद देखिए। ये थोड़ी मुश्किल से निकलती है सर। सर मैं ये नहीं बोल रहा, आप जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी सर। किसी महिला ने ऊपर छत पे अभी अभी कपड़े सुखाए धूप में, तो ये देखिए। नाउ सर आई एम कमिंग टू माय सिग्नेचर वॉइस। ये सर ये मेरा बेस्ट है, इसके चक्कर मेरे को न्यूयॉर्क में भी बुलाया था। एक आदमी की ताजी शेप की थी, फिर आपने शेप लगा रखा, देखिए। व्हाट डू यू से सर? नॉट बैड। क्या नाम बताया आपने अपना? नाम तो बताया नहीं सर मैंने अभी अपना। एक और वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं। बोलिए सर। एक आवाज निकालना आपकी, किसी ने ताजी ताजी आपकी
आई है। मैं ट्राई कर सकता हूँ सर? नहीं, ये फेस टू फेस करेंगे, कभी आ जाइए मेरे ऑफिस में। हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया है। हाँ जी सर, आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा ये बताइए? आ रहा है। अभी हाँ मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। सर हमें भी तो चाहिए सर। अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है अंदाजन बताइए? सर अंदाजा का, नहाते हैं धोते हैं उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं, सही कहा सर, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं हम दिल्ली वाले, हम ना आएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताएंगे नहाने को, है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम? सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो, आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है, मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो, मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो। यार कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम, यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी सर। तो फिर भी यही सॉरी क्यों है, पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आप। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोले के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं।